छत्तीसगढ़ में दो चरण के मतदान संपन्न होने के बाद सभी लोगों को इंतजार है 3 दिसंबर का, कि 3 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चले कि कौन जीता किसकी बनी। इसके पहले हम निकल पड़े हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने मताधिकार का उपयोग तो कर दिया, लेकिन उनका एजेंडा क्या है और उनका जो जनप्रतिनिधि होगा उससे वो क्या उम्मीदें रखते हैं और क्षेत्र में किस तरीके का विकास हो और कौन सा ऐसा पहला काम हो जो उनके जनप्रतिनिधि को उनके विधानसभा सीट में करना चाहिए। तो हम राजधानी रायपुर में निकले हुए हैं और राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, रायपुर उत्तर है, रायपुर पश्चिम है, रायपुर दक्षिण है और ग्रामीण। इन जगहों के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और उनके क्षेत्र में कौन से ऐसा काम पहली प्राथमिकता से होना चाहिए, उनका क्या एजेंडा है, और आइए जानते हैं और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। पब्लिक का एजेंडा जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में। यहाँ पर जो वकील हैं वो आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि 3 तारीख को आखिर होगा क्या, तो उनसे ही जानते हैं कि उनका एजेंडा क्या होगा, जो जनप्रतिनिधि बनकर आएगा उससे क्या उनकी उम्मीदें होंगी। तो हम जानेंगे, सर आपका नाम क्या है? एडवोकेट शाहिद सिद्दीकी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? पश्चिम। पश्चिम में तो विकास की काफ़ी चर्चा है और राजेश मूलत जी हैं। तो अब अगर मान लीजिए कोई भी जीतेगा, 3 तारीख को तय होगा कि विकास है, सीधे तौर से यही कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में टक्कर है, तो उस क्षेत्र में पब्लिक क्या सोच रही है? आप एज ए प्रोफेशनल अगर देखें, वकील हैं, तो उस क्षेत्र में किस तरीके की चीज़ें लोग चाह रहे हैं कि हों? देखिए, वहाँ जो पूरा इलाका है, थोड़ा सा गांव डगनिया वाला इलाका आता है, जहाँ बुनियादी तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य की हमेशा परेशानी रही है। स्ट्रक्चर अपनी जगह है, मगर बुनियादी तौर पे स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि वहाँ जो गरीब या जो लोग हैं, क्योंकि मिक्स एरिया है, वो मिक्स एरिया है, जहाँ ग्रामीण जनता का ऐसा बोल सकते हैं कि डगनिया वाला क्षेत्र जो है वो बैकवर्ड एरिया है। मतलब आपकी प्रायोरिटी को उस क्षेत्र में राजधानी है तो शिक्षा पे ज़्यादा फोकस हो, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों दोनों पे फोकस होना चाहिए, चाहे जो भी जीत के आए। जी, अच्छा सर आपका नाम क्या है, कौन सी विधानसभा सीट है आपकी? मेरी विधानसभा सीट उत्तर आती है और मैं एडवोकेट अल्ताफ सिद्दीकी हूँ। जी, जैसे कि हमारे सीनियर ने बताया है कि शिक्षा और चिकित्सा ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा होते हैं, जिसको कि जो भी विधानसभा में जो विधायक चुन के आए उनको सबसे पहले इसी चीज़ में फोकस करना चाहिए। अगर शिक्षा का ग्राफ बढ़ेगा आपका, तो आपको बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ साथ सब चीज़ें आपको वो मिलते जाएगी। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होती है, राजधानी की अगर बात करें तो तस्वीर जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है। जी, तो बीते सालों इंफ्रास्ट्रक्चर में कम काम हुआ, तो क्या लगता है इस बार भी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस बार होना चाहिए। पिछले साल 2 साल तो ऐसे ही कोरोना ने जो है पूरा अपना देश का पूरा दुर्भाग्य क्या बोले पूरे वर्ल्ड का वो था। उसका 3 साल जो सरकार को काम करने का मौका मिला, जिसमें कि वो करे हैं और आगे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी उनसे कि अच्छे से अच्छा काम करने की वो करें। अच्छा, आपसे बात करेंगे, आप भी युवा वकील लग रहे हैं, क्या आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, पहले तो नाम बता दीजिए आप। सर, मेरा नाम एडवोकेट राबिया कुरैसी है। मैं अभनपुर विधानसभा साइड से हूँ। अच्छा, अभनपुर से हैं। जी, तो अभनपुर में क्या, क्योंकि ये तो पूरा ग्रामीण इलाका है, छोटा सा कस्बा है अभनपुर, तो वहाँ के यूथ क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही आपने शुरू की होगी प्रैक्टिस? जी जी, क्या सोच रहे हैं लोग? सर, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। और आप क्या चाह रहे हैं कि अभनपुर में क्या हो? अभनपुर में क्या हो, डेवलप्ड होना चाहिए। किस तरीके का डेवलपमेंट चाह रहे हैं? चाहे वो मेडिकल के एरिया में हो या फिर कृषि के एरिया में हो या फिर वो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी मैटर्स हो उसमें वो सबसे अव्वल होना चाहिए। अच्छा, अभनपुर जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, तो किसानों को लेकर जो सरकार ने घोषणाएं की, पार्टियों ने की, तो आपको लगता है ठीक किया है, अच्छा रहा? मैंने कईयों की मुझसे सुना है कि जो उनका जो रहता है प्रोस्पेक्टस, उसके हिसाब से वो काम तो करते हैं, तो वहाँ तो अनबीटेबल है कि कांग्रेस की सरकार बनती है। इस बार का मैं नहीं बता सकती सर। अच्छा, वहाँ से मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी? हाँ, वो हर बार तो वही जीतते हैं। 3 तारीख को तय होगा कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलाश साहू है। अच्छा पलाश, ये बताओ कि अभी कितने दिन हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? सर अराउंड ईयर होने वाले मुझे। साल होने वाले। जी सर। कौन सी विधानसभा सीट से आ रहे हैं? पश्चिम विधानसभा सीट से। जी सर। तो पश्चिम में क्या लग रहा है कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो, क्योंकि जीत और हार तो 3 तारीख को तय होगी, कांग्रेस हो या भाजपा हो या दूसरे प्रत्याशी हो, तो उस क्षेत्र में
किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, डेवलपमेंट वाइज बोला जाए तो जैसे हमारे सीनियर ने बताया, शिक्षा और स्वास्थ्य वो बहुत बड़ा, बहुत मतलब मेन एजेंडा हो जाता है एज अ सोसाइटी। बट उसके अंतर्गत मैं ये चाहूँगा कि जो आने वाले जनरेशन, उसके लिए जो ग्राउंड चाहिए खेल कूद के लिए, अब दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ पर भी यूथ को फोकस करते हुए ग्राउंड्स जरूरी है, बाकी जरूरी तो हैं, बाकी तो जरूरी है। पश्चिम में देखते हैं ग्राउंड्स को, ये कम है सर, बहुत कम हो गया क्योंकि अब बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है पश्चिम में कुछ दो स्टेडियम बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं। जी सर, तो उस मेरा नजरिया ये रहेगा कि उस पर ज़्यादा खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान, खेल कूद पढ़ाई तो है ही ज़रूरी, उसके साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी सर। क्या नाम है आपका? एडवोकेट जयसिंह लालवानी नाम है मेरा। अच्छा जयसिंह, किस विधानसभा सीट से आ रहे हो आप? मैं उत्तर से आता हूँ। अब उस विधानसभा सीट से आप आते हैं तो क्या लगता है कि क्या वहाँ पे होना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, क्या स्थितियाँ हैं वहाँ की? वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे बच्चों के लिए तो खेलकूद के मैदान तो है ही नहीं, और जो स्लम एरिया है जिस पार्ट पे, उधर स्वास्थ्य विभाग वगैरह मतलब हॉस्पिटल या छोटे छोटे क्लिनिक्स पार्टली रहने चाहिए, और आपका जैसे कि वहाँ पे रोड वगैरह भी और पानी वगैरह की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है आज तक, मतलब 40 साल में भी अभी ये सेंट्रल से जो नल का कनेक्शन आया है वो आया है, नहीं तो उसके पहले तो वहाँ पे नल का कनेक्शन वगैरह भी नहीं होता था। तो इससे क्या है, मतलब इससे जो और स्लम एरिया वगैरह में नहीं गया है, और जो छोटे छोटे एरिया में विकास हो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे विकास हो, वहाँ पे पाइपलाइन वगैरह जाए, टैंकर फ्री हो नॉर्थ का एरिया। अच्छा रायपुर में और क्या लगता है कि क्योंकि रायपुर चेहरा है पूरे प्रदेश का, राजधानी है, तो ऐसी कोई चीज़ आपको लगती हुई यहाँ पे होनी चाहिए जो दूसरे राज्य में अगर गए हो देखा हो? हाँ ऐसी तो लगभग कोई चीज़ ऐसा पॉइंट आउट नहीं है, बट ऐसा रहना चाहिए कि थोड़ा सा सही पहले का जो माहौल था छत्तीसगढ़ का, जो कोविड के पहले वगैरह का माहौल था, वो कोविड के बाद का माहौल अभी नहीं रहा। आज आए दिन यहाँ पे अपराध वगैरह का मतलब बढ़ते अपराध बढ़ रहा है जी, तो वो अपराध को क्या है थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, और जैसे पुलिस वगैरह भी जैसे रहते हैं तो कुछ वो सुनते हैं किसी और की और करते अपने मन की है, तो वो उनका भी थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए। अच्छा एक आपसे सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये परिसर भी शायद उत्तर विधानसभा में आता होगा। जी जी हाँ, उत्तर विधानसभा में। तो कोर्ट भी एक ये कह लो कि पूरे जिले के लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव? देखिए यहाँ जो आ रहा है पक्षकार आ रहा है, उसके लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने को, पानी की, सारी तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए। यहाँ बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पक्षकारों के लिए तो बहुत दूर की बात है, वकीलों के लिए भी सही तरीके से उचित व्यवस्थाएं, पानी की अवेलेबल, साफ पानी, व्यवस्थित पानी की व्यवस्था और दूसरी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ सिक्योरिटी का भी बहुत एक अहम भूमिका हो जाती है कि यहाँ आने वाला आदमी कौन आदमी आ रहा है, हथियार लेके आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी उस हिसाब से यहाँ जाँच होनी चाहिए। जैसे हाईकोर्ट या बड़े न्यायालयों में होती है, जिस हिसाब से वो यहाँ व्यवस्थाएँ देखते हैं तो शून्य है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी अगर मैं, आप जैसे आपने उनसे सवाल पूछा था कि और क्या होना चाहिए रायपुर में जो एक आइडियल हो, तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत एक अहम भूमिका निभाती है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्थाओं के नाम पे शून्य है, वो एक बड़े शहरों में जैसे एक ऑर्गेनाइज व्यवस्थाएं होती हैं वो होनी चाहिए। जगह जगह ठेले लगे हैं रोडों पे, वो सब चीज़ों पे व्यवस्था तरीके से एक पर्टिकुलर स्पेस, अभी मैं जहाँ देख रहा था कि पिछली गवर्नमेंट ने किया है, आने वाली गवर्नमेंट जो भी हो कर रही कि नहीं कर रही नहीं मालूम, मगर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक लगे रायपुर लगे कि राजधानी है, जो कनेक्टिविटी नई राजधानी के साथ में, जैसे अभी सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास या दूसरी आवास जा रहे हैं, तो बेहतर कनेक्टिविटी हो, व्यवस्थाएँ हैं, और व्यवस्था के आधार पर सब चीज़ें लगे कि एक राजधानी है, वो डेवलपमेंट अभी रायपुर में होना बहुत बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी, बुनियादी तौर पे भी, और सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से भी लगना चाहिए कि राजधानी है। अभी बुनियादी तौर पे मैं बोलता हूँ कि मैं 100% तो नहीं लगती है, एक लगता है कि एक शहर है, राजधानी नहीं लगती है, राजधानी नहीं लगती। और निश्चित तौर से जो राजधानी के लोग हैं उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, उनका अपना एजेंडा है कि जो भी उनका जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि राजधानी पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके सुधार की मांग करते हैं। तो ये तो वकीलों की राय, अब हम और चलते हैं और जानते हैं युवा, उद्योगपति और तमाम लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। पब्लिक का एजेंडा जानने के लिए अब हम पहुँच चुके हैं विशाल नगर, और लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, युवा व्यापारी हैं और कुछ मंझे हुए व्यापारी भी हैं, तो राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं।
उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मतदान के बाद 3 तारीख को रिजल्ट आना है, तो उनके मन में क्या ख्याल चल रहा है कि किस तरीके का विकास और कौन कौन सी चीज़ें वो चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र चंद्राकर है। राजेंद्र जी, मतदान हो गया, फर्स्ट फेज सेकंड फेज का मतदान होने के बाद अब 3 तारीख को रिजल्ट होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी बात नहीं है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं कि किस तरीके का विकास होना चाहिए, कौन सी विधानसभा सीट लगती है आपकी? मेरा रायपुर पश्चिम से आता हूँ मैं जी, और मैं चाहता हूँ कि नई सरकार जो भी आए ऐसी सरकार हो जो नीचे तबके से लेकर उच्च वर्ग तक सभी का ख्याल रखे, खास करके मूलभूत सुविधाएं, रोड नाली पानी, ये बेसिक हमारे शहरी इलाके के लिए है। और गांव के लिए आप जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो तो खैर ठीक ही थी पुरानी सरकार, और नए सरकार जो भी बने और उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए कुछ और ज़्यादा करें, वो जैसे कि पानी हो गया और आपका बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ अच्छा, आपका नाम क्या है सर? असलम खान नाम मेरा। असलम भाई, ये बताइए कि जैसे इन्होंने बोला कि पिछली सरकार ने अच्छे काम किए, इस बार अगर देखने में ये बातें आईं कि लोगों ने ये कहा गया किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, 3200 रुपये में धान लिया जाएगा, महिलाओं को 12 से 15 हज़ार दिए जाएंगे जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर ये पैसा सब यहाँ पे होगा तो फिर विकास के लिए पैसा क्या सरकार जुटा पाएगी? आपको लगता है कि जो विकास आप चाह रहे हैं वो हो पाएगा? नहीं, पिछले 5 सालों में तो कोविड का समय रहा है तो कांग्रेस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि 2 साल तो उसके उसमें चले गए हैं, और उम्मीद है कि इस बार इस आने वाले समय में कांग्रेस सरकार अगर आती है तो विकास तो होगा, और काफ़ी काम हुए हैं, गरीबों को काफ़ी ध्यान दिया गया है मुख्यमंत्री सीएम बघेल जी के द्वारा, बहुत काम किया है, तो बहुत काम किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है, शहर में काम हुआ है। क्या नाम है आपका? निखिल तिवारी। क्या काम करते हैं? मैं प्रिंटिंग का व्यवसाय। अच्छा, प्रिंटिंग का व्यवसाय है जी। आप युवा व्यवसायी हैं, क्या सरकार से उम्मीद है, खासकर आपके विधायक से क्या उम्मीद है? विधायक से उम्मीद है कि जो राजधानी में क्राइम बढ़ गया है वो क्राइम रुकना चाहिए, और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ अच्छी और छोटी कारगर योजनाएं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए नहीं, शहरी छोटे व्यापारी है उनके लिए कुछ योजना आ जाए ताकि हमारे जैसे व्यापारी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो किस तरीके की योजना हो सकती है, कुछ आइडियाज आपके दिमाग में कि क्या आपको सपोर्ट मिल जाए तो आपका व्यापार? जैसे अभी कोई भी टेंडर या कोई भी पार्टिसिपेट करने जाओ तो उसमें जो टर्नओवर की जो मांग होती है वो टर्नओवर हमारे जैसे छोटे व्यवसायियों का नहीं है उतना टर्नओवर, तो हमको देखते हुए मध्यम मिनिमम टर्नओवर के, हाँ मिनिमम क्राइटेरिया रख के बनाना चाहिए योजना। ये अच्छा सुझाव भी है और उम्मीद है। आपका क्या नाम है? नवल तिवारी। नवल जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस मैन हैं हम भी। क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, इस बार का यदि चुनाव देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों का आप घोषणा पत्र देखें, पहली बार ऐसा देखा गया कि इस बार वोटर्स ने आखिरी समय तक दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतज़ार किया, और दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र देखने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि पूरा चुनाव जो है वो सिर्फ गांव, ग्रामीण और आपका किसानों तक ही सीमित रहा। फ्री बीज बांटने के लिए से अगर बीजेपी ने अनाउंस किया महिलाओं को 12,000 रुपये देंगे विवाहित महिलाओं को, कांग्रेस ने अचानक अनाउंस किया 15,000 देंगे, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, टैक्सेशंस हैं, बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या किया जाए, एजुकेशन को डेवलप, इस पर दोनों पार्टियों ने बात, हमारी राजनीतिक विडंबना के जैसा लगा छत्तीसगढ़ में। क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र, क्या चाहते हैं? जैसे हमारे राजेंद्र जी ने जैसा अभी बोला कि एक नीचे वर्ग से लेके ऊपर तक सभी के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार किसी एक वर्ग की नहीं है, सरकार जब तक वोटर्स को वोट बैंक के हिसाब से देखती रहेगी तब तक चहुमुखी विकास मेरे हिसाब से संभव है। मेरा ये मानना है नई सरकार, जब जो नई सरकार आएगी, घोषणा पत्र तो सबके सामने हैं, उसके वादे कितने क्या पूरे होंगे वो अलग बात है, लेकिन हाँ हमेशा एक उम्मीद की जाएगी, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में बिलोंग करते हैं, तो विकास वाकई सबका हो, नीचे से लेकर ऊंचे वर्ग सभी का विकास हो, सबके लिए काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एजुकेशन डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर आए। बिल्कुल, इस पे ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सिंह है। अच्छा रमन, ये बताओ आप जिस विधानसभा सीट से आते हैं, खासकर अगर राजधानी की बात करें, तो रोजगार की पर्याप्त अवसर आपको लगते हैं या इस पर कुछ काम होना चाहिए? लगता है कि जनरली ये कि अभी तक जितने भी पॉलिसीज आई है मैक्सिमम पॉलिसीज सिर्फ किसानों के, एक लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं
छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी अल्टीमेटली चलता तो व्यवसाय से ही है, एक मेजर पोर्शन उससे लगता है, तो व्यवसायों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है अभी तक। और फोटो की राजनीति ज़्यादा हुई है, फोटो खिंचवाने का शौक ज़्यादा है हमारे नेताओं को। क्या होना चाहिए, फोटो नहीं खिंचानी, फोटो खिंचानी चाहिए लेकिन काम करके खिंचाया तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। पहले विधानसभा से, पश्चिम विधानसभा से, तो उधर तो आपका विकास ही था सर, अगर आप नाम के तो विकास ही थे, विकास जी ही थे नाम से तो, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो जितना विकास उससे पिछले 5 साल पहले हुआ था, मुझे इस 5 साल में एक भी नई चीज़ बता दी जाए जो पश्चिम क्षेत्र में किया गया हो, वो एक चौपाटी बनाने के अलावा, तो जो भी नया किया गया हो या एक 5 साल पुरानी रोड भी जो टूट गई उसको भी ठीक किया गया हो, अगर एक भी जगह बता दे तो मैं बिल्कुल विकास जी के साथ विकास में सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। तो अब इस बार क्या उम्मीद है, जो भी जीत के आएगा तो? इस बार विकास जी के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर सही तरीके से विकास हुआ होता तो दूसरे लोग को इतने चांसेस होते नहीं होते। मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है उस क्षेत्र में सर? बहुत उम्मीद, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज भी जैसे देखे पश्चिम क्षेत्र में सिर्फ इतना पता किया जाए कि जो नल लगने थे हर घरों में, कितने घरों में अभी तक नल डायरेक्ट पहुंचे हैं, अभी तक हमारे क्षेत्र में तो अभी तक नहीं आया है। तो वो है, नाली की बात होती थी, नाली आएगा, आप हमारे घर की गली में आएंगे तो आधी नाली बनी है, आधी के बाद वो बंद हो गई है। मच्छर भी बहुत है ना? मच्छर तो क्या बोले सर, पूरे रायपुर में ही मच्छर बहुत है। मैं विशेषकर पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि पश्चिम क्षेत्र में जो हम लोग को असुविधा देखनी पड़ी है, ज़्यादातर नाली हो गया, रोड्स हैं बहुत अच्छे, लेकिन कोई भी रोड अभी ये पिछले साल की 5 साल की नहीं है, उसके पहले की रोड्स है, लेकिन उसको जो मेंटेनेंस का काम था वो भी नहीं हुआ है। मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है, लोगों की अपनी राय है और उनका अपना एजेंडा है कि जब उनकी नई सरकार बनेगी तो क्षेत्र का विकास हो और सभी वर्ग उसमें शामिल हों, किसान भी हों तो उद्योगपति भी हों और छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी कुछ फायदे हों। कुछ और लोगों से हम जानेंगे कि वो और क्या सोच रहे हैं राजधानी रायपुर में नई सरकार आने के बाद। दिलीप कुमार पाठक। क्या काम करते हैं? यही फल दुकान। अच्छा, कौन सी विधानसभा सीट में रहते हैं आप? उत्तरी। उत्तर में रहते हैं। अच्छा, 3 तारीख को सरकार बनेगी, कौन विधायक होगा 3 तारीख को तय होगा, क्या लगता है किस तरीके का काम आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं, क्या करना चाहिए? अरे नाली है, रोड है, ये सब क्या कहते हैं, साफ़ सफाई यही होना चाहिए, क्या और तो बाकी कुछ काम हुआ है ऐसा नहीं, काम नहीं हुआ। काम हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं? काम हुआ अंदर गई से थोड़ा बहुत, रोड का पुनः काम, नया काम हो गया है और बाकी साफ़ सफाई ठीक है, पानी भी ठीक है, पानी पाइप सप्लाई हो रही है। अच्छा, स्कूल में कुछ लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए? स्कूल में तो पहली वरीयता होना चाहिए शिक्षा पे ना, तो स्कूलों का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? आत्मानंद की बहुत चर्चा होती है। क्या है ना, अब जो प्राइमरी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हैं इसमें भी अब इंग्लिश ज़्यादातर, क्या है ना इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत है, इंग्लिश हिंदी दोनों होना चाहिए, ज़्यादातर आदमी हिंदी की ज़्यादा प्राथमिकता देता है, इंग्लिश की भी प्राथमिकता होना चाहिए, इंग्लिश की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, पब्लिक का एजेंडा जानने के लिए अब हम पहुँचे हैं कटोरा तालाब, जहाँ पर बहुत सारे यूथ अक्सर इकट्ठा होते हैं और अब हमारे साथ भी फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, यूथ हैं और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उससे सीधे बात के, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। क्या किस क्लास में पढ़ रहे हो? BBA फर्स्ट सेम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, नई सरकार 3 तारीख को बन जाएगी, नया विधायक होगा, तो ऐसा क्या हो जिससे युवाओं का खासकर फ़ायदा हो सके, रोजगार को लेकर? रोजगार, मतलब कि रोजगार बढ़ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अभी रायपुर में रोजगार मिल पाता है युवाओं को कि नहीं, और खासकर जैसे BBA करने के बाद लोग बाहर तो नहीं जाना पड़ता? नहीं, BBA करने के बाद ऐसा रहता है कि अपने को बिजनेस सेट करना रहता है। हाँ। और जैसे कि मतलब यहाँ पर रोजगार कम है, बेरोजगार लोग ज़्यादा है और लेबर कैटेगरी ज़्यादा है। अरे वो ज़्यादा है तो ज़्यादा है, यहाँ पर रोजगार बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार साहू है सर। शुभम, राजधानी को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके की नई जब सरकार आए तो? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब सरकार किसी के भी बने, चाहे वो BJP हो या फिर कांग्रेस या क्यों ना हो, लेकिन मैं तो बस यही चाहूँगा कि सरकार जो भी बने लेकिन जनता को बढ़िया मिलना चाहिए पॉलिसीज, ताकि जनता भी चाहे कि सरकार जो आ रही है हमारे लिए काम कर रही है, ये सोचना होना चाहिए उनका। अब देख रहे हैं कि बहुत सारे आजकल एक्सीडेंट्स वगैरह हो जा रहे हैं, और मैं तो अभी रिसेंट यही देख रहा था कि अभी बीच में जैसे तो कुछ महीने के पहले की बात, सड़क में काम होना चाहिए अब हो ही रहा है, टाटीबन में हो रहा है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए सर। मतलब सरकारी काम लगता है कि बहुत स्लो चलता है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। अच्छा, रोजगार को लेकर किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज रायपुर में लगती हैं और क्या होना चाहिए यहाँ पर?
रोजगार के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि आजकल के बच्चे देख रहे हो कि बहुत पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद भी लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वजह क्या मानते हैं? क्या वजह? तो मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन को इतना ज़्यादा वो बना चुका गया, साइकिल की तरह चलता है आज के डेट में देखा जाए तो। आप एजुकेशन के थ्रू आप पढ़ते तो जाते हैं लेकिन रोजगार प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। और मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल ऐसा है कि स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करना चाहिए और उसके लिए कुछ कुछ नई पॉलिसीज लाना चाहिए या फिर कुछ लाना चाहिए। यूथ का मानना है कि उनको रोजगार तब बढ़ेगा जब स्किल डेवलपमेंट होगा, और राजधानी में रायपुर में स्किल डेवलपमेंट में भी काम होने चाहिए। कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि उनका क्या एजेंडा है जो नई सरकार बनेगी उससे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज है, ऋतुराज महिला। कहाँ रहना होता है? मैं रहता हूँ लवांडी, रायपुर। लवांडी में रहते जी। अच्छा, अब चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, मतगणना 3 तारीख को होनी है, 3 तारीख को नई सरकार हो जाएगी, तो नई सरकार से लोगों की क्या उम्मीद है, आपकी क्या उम्मीद है? क्या नई सरकार से उम्मीद ये है कि सबसे पहले वो एजुकेशन पे ध्यान दे, एजुकेशन अच्छा हो। एजुकेशन क्या देखा जाए तो अभी एजुकेशन स्तर में देखता हूँ, जहाँ तक हमारे जिस गवर्नमेंट स्कूल की जिसकी बात करूँ तो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। बच्चों को जो एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे पहले होनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य का देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में जैसे कुछ कुछ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स भी कभी अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इसमें भी अपने अपने तरफ से देखने को मिलता है कि डॉक्टर प्रॉपर रहते नहीं, और रहते हैं तो लेट से भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सुधार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब स्कूल और अस्पताल में ज़्यादा सुधार, स्कूल में होना चाहिए। और बाकी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती होने के लिए अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर देखा जाए तो अब साफ सफाई में देखो तो नाली वाली का साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए और अपने तरफ। अच्छा, आपको लगता है कि राजधानी एक बड़ा शहर हो गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी टाइप की फील आता है? हाँ बिल्कुल, राजधानी सिटी ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ने उतना भी बड़ा नहीं हुआ है देखा जाए तो, अगर तो मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो उतना बड़ा तो नहीं हुआ है अभी, पर है काफ़ी बढ़ रहा है रायपुर, बढ़ने का भी जो हो रहा है, डेवलप हो रहा है रायपुर में, चीज़ें बढ़ रही हैं, एरिया बढ़ रहा है, लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर बाहर के लोग भी जॉब कर रहे हैं, तो है बढ़ रहा है बढ़ने के लिए, लेकिन देखा जाए तो उतना भी अभी डेवलप होना बहुत चीज़ें बाकी है अभी यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जैसे मेट्रो वगैरह, जैसे मेट्रो। अच्छा, मेट्रो भी यहाँ पे की बात तो चल रही है, आना चाहिए मेट्रो, आना चाहिए बिल्कुल, मेट्रो आएगा तो अच्छा होगा। ट्रैफिक देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है, जैसे हम तम तब चले जाओ ट्रैफिक का बहुत इशू है, अगर ट्रैफिक में जाएंगे तो शाम को तो ऐसा ट्रैफिक रहता है कि आदमी 1 घंटे तक फंसे रहते हैं ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक वगैरह भी उसके लिए एक वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनना चाहिए वहाँ पे भी, बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं तो उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ट्रैफिक का बड़ा इश्यू है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा, जब मतगणना होने के बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके पहले पब्लिक का अपना एजेंडा है और पब्लिक ये मान रही है कि जो नई सरकार बने तो उसे क्षेत्र का विकास करना चाहिए। राजधानी रायपुर की जो चारों विधानसभा सीट है, यहाँ के लोगों का मानना है कि राजधानी रायपुर को एजुकेशन का हब बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य की वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं राजधानी रायपुर को मिलनी चाहिए, ताकि रायपुर का भी नाम दूसरे राज्यों की राजधानियों की तरह बड़ा हो जाए और वो तमाम सुविधाएँ राजधानी में होनी चाहिए जो किसी महानगर में होती हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV के लिए।